के मीट्स ए के, बट हम जा रहे हैं एक को कंटेस्टेंट से मिलने हु इज आल्सो अ फ्रेंड. अभिषेक, हैप्पी वैलेंटाइंस डे. थैंक यू. नेक्स्ट गाना मेरा और अभिषेक का. वैलेंटाइंस का पहला गिफ्ट. पहला कितने के थे वैलेंटाइंस के? बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद आयशा खान की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है. आयशा खान के इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. बिग बॉस से बाहर आने के बाद आयशा कई इंटरव्यूज भी दे रही हैं. और रिसेंटली आयशा को पैप्स ने स्पॉट किया और उनसे पूछा कि वो खतरों के खिलाड़ी में एज अ कंटेस्टेंट आना चाहेंगी या नहीं. आयशा ने इसका क्या रिप्लाई किया, क्या आप गेस कर सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. वेल, बिग बॉस के घर में आयशा का नाम मुनव्वर के साथ जुड़ा. घर से बाहर आने के बाद आयशा अभिषेक कुमार के साथ म्यूजिक वीडियो में काम कर रही हैं. अब ऑडियंस को इस चीज का इंतजार है कि ये सारे के सारे कंटेस्टेंट्स फिर से एक साथ कब नजर आएंगे. तो ऐसा तो अक्सर तभी देखा जाता है जब खतरों के खिलाड़ी शो का कोई नया सीजन टीवी पर आता है. मोस्टली यही देखा गया है कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को खतरों के खिलाड़ी शो के लिए अप्रोच किया जाता है और वो उसमें हिस्सा भी लेते हैं. यही सवाल आयशा खान से पूछा गया कि क्या वो खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन में एंट्री लेंगी. तो आयशा खान ने इसका जवाब दिया, आपने देखा है बिग बॉस शो के अंदर मैं कैसे गिरती पड़ती रहती हूँ, और खतरों से खेलने की बात है तो असल जिंदगी में मैंने खतरों से खूब खेला है. लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो जरूर जाएंगे, क्योंकि कुछ हो सकता है, इसलिए अभी से अपनी तरफ से कुछ बोलना या कहना सही नहीं होगा. अब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप बिग बॉस के किस कंटेस्टेंट को खतरों के खिलाड़ी में देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं. बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए.